नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मधेश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज दिनांक 2 मार्च 2023 को समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त महोदय गुड्डा श्री जिशान कमर की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त के द्वारा विभागवार शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, आरईओ, निबंधन स्थापना, खेल एवं पर्यटन विभाग, भू अर्जन श्रम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा कर संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान को आवंटन के रूप में राशि खर्च करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ निर्देश दिए गए कि अब तक पूर्ण योजना में की गई खर्च विवरणी प्रस्तुत किया जाए। महोदय के द्वारा समीक्षा के क्रम में कल्याण विभाग के पदाधिकारी से जिले में चलाए जा रहे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक के आवेदनों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महोदय के द्वारा विभिन्न विभागों के वित्तीय वर्ष 2022-23 की समीक्षा कर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के संबंधित मद में खर्च जिला मुख्यालय को रिपोर्ट संलग्न करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय सहायता मद अंतर्गत अपूर्ण योजना की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कार्यान्वित योजना की समीक्षा, विशेष केंद्रीय सहायता मंत्र अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा, सीएसआर मद अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा, जिला योजना से अनाबद्ध निधि द्वारा ली गई विभिन्न योजनाओं और उनके विरुद्ध खर्च राशि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।